हेलो गाइस, हमें इस वक्त ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ और भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। सेमेस्टर 2 यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है तो जुलाई इंटेक के लिए बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं, तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के बारे में। तो बहुत बार क्या होता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो तो उसके लिए आपका जो बजट है वो 1 लाख के तो ऊपर चला ही जाता है, मतलब आपके बजट के मोस्टली बाहर चली जाती है फ़्लाइट। और अगर आप एक कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हो वियतनाम या हांगकांग की, तो उसमें आपको कंट्री स्विच करते हो आप, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई दूसरी कंट्री आ जाती है तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज़ उनके लेओवर्स होते हैं, फ़्लाइट डिलेज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो मैं आज आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी और आपको बताऊँगी कि कनेक्टिंग फ़्लाइट एग्जैक्टली लेनी कैसी है, कौन से 2 कंट्रीज़ की लेनी है और कौन सी फ़्लाइट मैं रिकमेंड करूँगी आपको। तो मैं गई थी कंटास के फ़्लाइट से और हमने क्या किया था, हमने सारे डेट्स देखे थे और उसमें से चूज़ की थी एक डेट जिस पे सबसे कम फ़्लाइट का प्राइस होता है। तो हमारे इसमें ये डेट थी 3rd of July। तो हमने फ़्लाइट ली थी मुंबई से, मुंबई से हम गए थे दिल्ली, बिकॉज़ मुंबई टू डायरेक्ट नहीं थी फ़्लाइट कोई, बीच में मतलब हॉल्स थे काफ़ी दूसरी जगह पर। तो आपको हमेशा फ़्लाइट लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक फ़्लाइट इंडिया में लेनी है और दूसरी फ़्लाइट किसी और कंट्री में नहीं, सीधे ऑस्ट्रेलिया में लेनी है हॉल्ट वाली। मतलब हमारा डेस्टिनेशन ब्रिस्बेन था तो हमारा हॉल्ट हमने लिया था मेलबर्न का, बिकॉज़ आप डायरेक्ट लोगे ब्रिस्बेन का तो आपका फिर ज़्यादा प्राइस चला जाएगा। तो हमने लिया था हॉल्ट मेलबर्न में, जो कि वापस से ऑस्ट्रेलिया में आता है, और लेओवर भी बिल्कुल नहीं थे। तो मैं आपको बता देती हूँ घर कैसा था हमारा एक्सपीरियंस। तो मुंबई से दिल्ली गए थे, हमने किया था इमिग्रेशन दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो भी काफ़ी स्मूथ था, 2 से 3 मिनट में हो गया था हमारा इमिग्रेशन, कुछ ज़्यादा पूछा नहीं था हमसे क्वेश्चंस, कौन सा आपकी किस यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्या आपका कोर्स है, उतने बस बेसिक क्वेश्चंस थे। उसके बाद दिल्ली टू मेलबर्न हमारी जो फ़्लाइट थी 18 आवर्स की थी कंटास के साथ, उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा उन्होंने डिनर दिया था, बीच में भी कुछ स्नैक्स दिए थे, वापस ब्रेकफास्ट भी दिया एंड सर सारा खाना वो लोग प्रॉपरली आपका देख लेते हैं, ऐसे नहीं होगा कि आप भूखे ही रह जाओगे या ऐसा कुछ। और एक बात याद रखना, फ़्लाइट के अंदर जो भी आप खा रहे हो ना, कभी वो खाना बाहर मत लेके जाना, बिकॉज़ वो रूल्स के अगेंस्ट है। फिर मेलबर्न पहुँचने के बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कस्टम क्लियरेंस मेलबर्न में होगा या आपके मतलब हॉल्ट में होगा या आपके फाइनल डेस्टिनेशन में होगा। तो कस्टम क्लियरेंस कब होता है, आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी है या किसी भी अब्रॉड स्टेट के अंदर आपके कनेक्टेड फ्लाइट के ड्यूरिंग, जो भी स्टेट आपका डेस्टिनेशन स्टेट का पहला है उधर आपका कस्टम क्लियरेंस होगा। तो हमारा कस्टम क्लियरेंस भी काफ़ी स्मूथ था, उन्होंने बस स्पाइसेस इंडियन स्पाइसेस के बारे में पूछा था कि आपके पास है या नहीं, तो हमने बस उसको बताया कि हमारे पास है बट हम किसी ब्रांड के लेके आए, तो अगर आपको इंडियन स्पाइसेस कैरी करना है वो भी ऑस्ट्रेलिया में तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड के हो, ऐसे नहीं कि घर से कोई भी लोकल स्पाइसेस उठा के प्लास्टिक के बैग में रख के आ गया, ऐसे नहीं चलेगा। किसी प्रॉपर ब्रांड के स्पाइसेस या जो भी आपको लाना हो वो पैक करके और एक बार लिस्ट चेक करके आना कस्टम क्लियरेंस कि आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसमें कस्टम क्लियरेंस एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मेलबर्न में 5 मिनट्स ऑफ कस्टम क्लियरेंस एंड 2 मिनट्स ऑफ इमिग्रेशन के बाद, तो मेलबर्न में हमें 2 आवर्स दिए थे हमारे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जो थी ब्रिस्बेन के लिए, और हमें उधर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया पहली फ़्लाइट को लैंड होने में, तो इसके लिए 3 आवर्स, तो हमारी फ़्लाइट एक्चुअली मिस होने वाली थी मेलबर्न से ब्रिस्बेन के लिए। तो इन क्वांटास वालों ने एक न्यू फ़्लाइट हमारे लिए स्केड्यूल करके दी 1 आवर के बाद, जिसकी वजह से प्रोसेस बहुत स्मूथ हुआ। सो इसलिए मैं कांतास की फ़्लाइट रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, ये ऑस्ट्रेलिया की ही फ़्लाइट है एंड ये इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी होती है। सीटिंग इतनी स्पेशियस नहीं होती है जितनी बाकी फ़्लाइट्स की, बट बाकी सर्विस सारी अच्छी है। एंड जिसके बाद हम मेलबर्न टू ब्रिस्बेन पहुँच गए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, थैंक्स गाइस।